जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं टॉप 3 डिफेंस अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें। जानते हैं तीसरी डिफेंस अपडेट निकल के रही इंडियन नेवी की तरफ से। भारत की पहली जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी जो इंडियन नेवी में शामिल हो चुकी थी, इसका नाम था INS अरिहंत। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि INS अरिहंत इस टाइम पे जो इंडियन नेवी में नहीं है, मतलब आउट ऑफ सर्विस है। इसका बहुत बड़ा कारण ये दावा किया गया है जो उस अखबार की रिपोर्ट में कि 9 से 10 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जो हमारे जो INS अरिहंत है उसके क्रू की वजह से। और ये इस एक्सीडेंट में जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और इसमें एक रिएक्टर लगा हुआ है जो कि 83 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता था। और इसमें क्या हुआ कि गलती से पानी चला गया नौसैनिकों की कमी के कारण, और जो पानी गया था उसकी वजह से जो वहाँ पर जो सिस्टम था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। तो इसी वजह से इसका मरम्मत का कार्य चल रहा है। जबकि जो ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी इसकी लागत करीब करीब आई थी $3 बिलियन। जानते हैं दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के रही चाइना के बीच से जो 2018 और 19 के बीच में जो व्यापार हुआ है भारत और चाइना के बीच में, जिसमें भारत का व्यापार घाटा 10 बिलियन तक कम हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। 2017 और 18 के बीच में भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार घाटा था और भारत को ही सहना पड़ रहा था, उसमें $10 बिलियन की कमी आई है। पहले जो व्यापार घाटा था 2017 से लेकर 2018 तक वो था $63 बिलियन, लेकिन 2018 और 19 के जो रिजल्ट आए उसमें $10 बिलियन घट चुका है और अब 53 बिलियन का ही जो ट्रेड डेफिसिट रह गया है हमारा चाइना के साथ। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये सब हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मेक इन इंडिया के जो प्रोजेक्ट है उसके तहत, जिसके तहत जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है भारत के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप जो हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। पहली डिफेंस अपडेट निकल के यार इज़राइल की तरफ से। इज़राइल ने जो अपना पहला चंद्रयान जिसका नाम वेरसीट था, जो चंद्रमा पर भेजा था, वो मिशन फेल हो चुका है। इस मिशन के तहत एक रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन वो रोवर बहुत तेजी से चंद्रमा की सतह पर उतरा जिसकी वजह से सतह से टकरा के वो नष्ट हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है इसराइल के लोगों के लिए। तो इस दुख की घड़ी में भारत के लोग भी इसराइल के लोगों के साथ खड़े हैं और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगले अटैम्प्ट में वो कामयाब जरूर होंगे। तो हम उनको अभी से अगले अटैम्प्ट के लिए गुड लक कहते हैं। हम आपको एक बात और बता दें, जो इसराइल का चंद्रयान मिशन था ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की कुछ प्राइवेट संस्था और कंपनीज की तरफ से फंडेड था। इसमें एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने मदद की थी और इसको लॉन्च करने में। अब मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, क्या भारत के इसरो को इसमें मदद करनी चाहिए थी, इसराइल की जो कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज उनकी, या नहीं? आपकी क्या राय है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।